ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पहुंच गया अनुभूति में। हाँ, वो दिन पूरा याद आ रहा है मेरे सामने साफ। देखो कुछ भाई बहनों को तो देख रहा हूँ सामने सामने, लेकिन बहुत भी नहीं स्क्रीन में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सन्मुख मिल रहा हूँ। ये भी कमाल है विज्ञान के साधन का, नहीं तो
अमेरिका जाओ, कितना ट्रैवलिंग, कितना तकलीफ, लेकिन ये सेकंड में पहुंच जाओ, अभी सब सामने है। और खास से बाबा को हमारी रूहानी सर्जन, सुप्रीम सर्जन, और हमारी दादियां, हमारी दीदियां, हमारी चंद्र दीदी, देखो ये सब मैं सच बता रहा हूँ। मैं मेडिकल तो पढ़ लिया, पढ़ के पंडित बन गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सचमुच मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में सदा कैसे खुश रहे, मन सदा प्रफुल्लित रहे, कौन सिखाता है मेडिकल? खाली शरीर का, इसमें हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ये सब क्या बीमारी है, पढ़ लिया बस। लेकिन मैं जब जब किया, इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस, बात मत पूछो, ऐसी हालत की बात मत पूछे। मैं सोच रहा था बहुत कम उम्र में मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ऐसे समय पर मैं फिर जब हमारी बहनों के कांटेक्ट में आया, मुझे किसने लेके गया, बोला कि बहुत अच्छा सत्संग होता है, चलो। तो जब आके देखा, फिर मेरा जीवन ही 1 महीने के अंदर पूरा बदल गया, पूरा बदल गया। इसलिए मैं कहता हूं, मैं जो भी सीखा हूँ सारा ये हमारी क्रेडिट गोज टू हमारी बहनें, हमारी दीदियां, इनसे ही। जब मधुबन में दौड़ दौड़ के भाग भाग के आता था, हमारी दादियों से मिलता था और बाबा से मिलता था, फिर डिसाइड कर लिया नहीं, ये जीवन पूरा समर्पित करना है सेवा में। फिर 86 में ज्ञान में चला, लेकिन 91 में जब हॉस्पिटल बना बद्रीनाथ बाबा, हमारे डॉक्टर्स का कल्याण कैसे होता, नहीं तो हमारे लिए हॉस्पिटल खोल दिया, होली स्थल, तो हम पूरा, मैं नौकरी पकड़ी, एकदम धक से लात मार के रिजाइन करके आ गया। और 91 से 30 साल हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है मैं मधुबन में 30 दिन पहले आया था। यहाँ 30 साल ऐसे बीत गया जैसे ऐसे मिनट सेकेंड। क्या जीवन, क्या सुंदर। मैं तो सोचता हूँ बाबा पिछले जन्म का कोई पुण्य का फल है, बाबा अपने गोदी में रख के इतने सुंदर पालना दे रहे हैं, और इतने हमारी दादियों का, हमारी बहनों का, इतनी सुभावना, इतनी दुआएं, क्या है, हम तो छोटे बच्चे जैसा सुंदर जीवन, कैसे हंसते, छोटा बच्चा होके आए थे, अभी तो सीनियर सिटीजन होने के बाद भी अभी भी ऐसा लगता है मैं जैसे आई वॉज इन 26 व्हेन आई केम टू नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है अभी भी 26 है। ऐसा ही इतना सुंदर जीवन, हंसते गाते खेलते ऐसे बीत गया, बात मत पूछो। बहुत अच्छा, अभी मैं आपको कुछ बातें आपको शेयर करूंगा जो वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ के लिए बहुत 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 जरूरी है, हमें क्या करना है। तो आप सभी का सबसे पहले मधुवन की तरफ से, बाप दादा की तरफ से और दादियों की तरफ से, सबके तरफ से, हम मधुबन निवासी, हॉस्पिटल निवासी के सबके तरफ से बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी भी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ठीक है, बाद में भी जो सुनेंगे, सबका दिल से स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज मुझे एक बहुत सुंदर टॉपिक दिया है, बैलेंसिंग बॉडी एंड माइंड, हमारा तन को और मन को कैसे संतुलित रखें, कैसे बैलेंस रखें। बहुत सुंदर टॉपिक है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस शरीर को नेग्लेक्ट किया, खाली मन के पीछे भागे, फिर बीमार हो गए, फिर तकलीफ हुई, फिर परेशानी। कुछ लोग शरीर के पीछे ही लगे रहते हैं, 8 8 घंटा, 6 6 घंटा जिम खाना जाके हेल्थ क्लब में, फिर हमने देखा वो कैसे कोई टेररिस्ट बन गया, कोई एंटी सोशल बन के क्या क्या एक्टिविटीज उनकी। तो दोनों का हमें संतुलन रखना है, एक सुंदर जीवन। इस संसार में हम क्यों आए, संसार में आए हैं हम, आत्माएं तो परम धाम में बैठी थी, लेकिन इधर क्यों आए? परम धाम में आत्मा बीज रूप में, वहां कोई अनुभूति नहीं होती है, वहां खाली शांति की अनुभूति होती है, हम सुप्त अवस्था में सोए रहते हैं। लेकिन इस संसार में आए हैं हम मैनिफेस्ट होने के लिए, ये शरीर हमें एक बहुत सुंदर साधन मिला है अपने को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए, और ये संसार में आके भरपूर आनंद अनुभव करने के लिए, खुशियां मनाने के लिए। क्योंकि आनंद की अनुभूति उधर नहीं होगी, यहाँ 5 तत्व की प्रकृति है, कितने सुंदर साधन है, कितनी सारी चीजें हैं, यहाँ खाने पीने का इतना वैरायटी, आप सभी माताएं बनाते हो, दिल गदगद हो जाता है, परम धाम में थोड़ी खाना पीना मिलेगा, यहाँ
कितनी सारी बातें आत्मा यहाँ एंजॉय करती है। आत्मा हम सभी आए हैं इस संसार में खेल खेलने, जीवन का भरपूर आनंद लेने। लेकिन ये दोनों का जो बैलेंस रखता है तो ही वो आनंद ले सकता है, क्योंकि आत्मा जितना महत्वपूर्ण है शरीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए बहुत एक सुंदर सौगात लेके आया हूं, सुनिए। हमारा जो शरीर है ये स्वस्थ नहीं है तो ये शरीर बहुत दुख देता है। शरीर अगर स्वस्थ है तो हम इसका एंजॉय करते हैं, भरपूर आनंद लेते हैं, खुशियां मनाते हैं। कोई बीमार है तो खटिया में लेटा है, सब एंजॉय करते रहेंगे, वो तो हाय हाय करता रहेगा। तो हमारा शरीर एक बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है हमारे लिए, ये मानो एक अमूल्य सौगात है भगवान की तरफ से, हमें सबको मिला है इस शरीर। और साथ साथ हमारा जो माइंड है ये भी एक बहुत बड़ा एक रत्न है। जैसे इस शरीर तो एक डिब्बा है, इसमें आत्मा एक रत्न है, इसमें मन है, तो दोनों बहुत बहुत हम सभी के लिए मूल्यवान है। हमारे मन और तन ये दोनों का रिलेशन ऐसा है जैसे कि गाड़ी और ड्राइवर। ड्राइवर कितना भी होशियार हो, कितना भी एकदम परफेक्ट हो, लेकिन गाड़ी अगर पंक्चर है, गाड़ी अगर खराब है तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छा, गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, बहुत अच्छा, और ड्राइवर अनाड़ी है, बिल्कुल एकदम होपलेस, तो फिर क्या करेगा, कहाँ भी जाके एक्सीडेंट कर देगा। तो दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, गाड़ी भी अच्छी हो और ड्राइवर भी अच्छा हो, तो ही आप ट्रैवलिंग का बहुत सुख ले सकते हो, आराम ले सकते हो। ठीक इसी प्रकार हमारा मनुष्य शरीर एक गाड़ी की तरह है और मन हमारा ड्राइवर है। हम कहीं भी जाते हैं तो देखना, पहले मन जाता है, फिर हम शरीर को वहां लेके जाते हैं। मन करेगा कि अभी मुझे अरुणवती जाना है, फिर आप चलोगे। मन करेगा आज दीदी से मिलना है, फिर आप चलोगे। तो पहले मन जाता है, तो मन ड्राइवर है, तो मन जहां चाहे शरीर को लेके चलता है। तो दोनों को हमें ठीक रखना पड़ेगा। दोनों ठीक रखेंगे तो जीवन में मजा आएगा, नहीं तो देखिए, हम शरीर अगर ठीक नहीं है तो आप योग लगेगा नहीं, सेवा कर नहीं पाएंगे, पुरुषार्थ भी खटिया में पड़े रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे। तो देखो भगवान भी, इसलिए ब्रह्मा बाबा जो देखो कितना 6 फुट हाइट था बाबा, 93 उम्र तक भी एकदम स्ट्रेट इरेक्ट, बिल्कुल बाबा 4 4 घंटा पूरा एकदम राजा जैसे बैठ जाते थे, टांग पर टांग लाद के अर्धपद्मासन में। बाबा का शरीर भी ऐसा था, तो भगवान भी एक अच्छा रथ चुने, तभी तो इतनी सेवा कर पाए। तो इस संसार में अगर किसको बहुत हल्दी बड़ी है, मैं कहूंगा वो बहुत भाग्यवान है। और खास संगम युग में एक अच्छा शरीर मिलना, क्योंकि शरीर के पीछे में तो कितना हमारा वेस्ट होता है, उसको दवाई खिलाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, टेस्ट कराओ, कितना बीमार हो जाते तो कितना इसके पीछे माथामारी, कितना पैसा खर्च। तो एक हेल्दी शरीर कैसे हो, हमें ये सीखना जरूरी है। ये हेल्दी माइंड ने हेल्दी बॉडी कहा जाता है। मन भी तब ठीक होगा जब शरीर ठीक होगा, शरीर ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं हो सकता। मन ठीक होगा तो तन ठीक होगा, तन ठीक होगा तो मन ठीक होगा। दोनों का आपस में बड़ा गहरा रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंट है, दोनों परिपूरक है। इसलिए हमें शरीर को भी ठीक रखना है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अगर तुम अपना शरीर को नहीं चला सकते हो, सतयुग में तुम राज्य क्या चलाओगे, तुम इससे चलाओगे। तो शरीर बार बार हम बीमार होते हैं अपनी गलती से, तो ये हमारी समझ की कमी है। बाबा हमें फुल समझ दिए हैं कि शरीर को कैसे चलाना है, क्या करना है। हाँ, अचानक कोई बीमारी आ जाती है वो अलग बात है, क्योंकि कलयुग में बहुत सारी तमोप्रधानता है, चारों तरफ प्रकृति एकदम प्रदूषित है, जो खाना खाते हैं प्रदूषित, जो पीना पीते हैं प्रदूषित, हवा प्रदूषित। तो बीमारी कोई 100% नहीं कह सकता है मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन हमारी गलती से बीमारी ना हो, हम अपने सावधानी। आप गाड़ी बहुत परफेक्ट चला रहे हो, परफेक्ट
कोई आके एक्सीडेंट कर देता है, आपके सामने लगा देता है, तो आप क्या कर सकते हो? आपकी तो गलती नहीं है। ऐसे ही कलयुग में कुछ बीमारियां अपनी गलती से होती है, कुछ बीमारियां अपनी गलती नहीं भी है तो भी हो सकती है। तो इसलिए लेकिन जो भी हो तो कर्म भोग है, लेकिन हम अपनी गलती से कम बीमार ना हो, इसलिए मैं कुछ बातें आपको टिप्स शेयर करूंगा। अगर वो टिप्स अगर फॉलो करोगे, मैं कहता हूँ 99% आप ठीक रह सकते हो। सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि हम आज बीमार क्यों होते हैं। आप देखिएगा दुनिया में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जो बचपन से लेके मरते दम तक बिल्कुल कभी बीमार ना हो। कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती है। तो क्यों हम बीमार हो रहे हैं आज, खास करके जो दुनिया में देख रहे हैं टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग लाइफ स्टाइल। देखिए हमारे बच्चे अभी क्या खा रहे हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दोनों का कहना है कि योर किड्स में डाई बिफोर यू। तुम्हारे बच्चों को सुधारो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का मौत तुम्हारे से पहले होगा, तुम्हारे सामने होगा। पहले जमाने में हम क्या खाते थे, आजकल देखो क्या जंक फूड फास्ट फूड खा के छोटी छोटी बच्चियां, मैं देखता हूँ बच्चे 15 साल भी उम्र नहीं हुआ है, डायबिटीज हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, थायराइड हो गया है। कमाल है, क्योंकि हमारे खान पान कैसे आप देख रहे हो। दूसरी बात, पहले जमाने में हम आउटडोर गेम कितना जाके खेल कूद करते थे, सब करते थे। मुझे याद है बचपन में हो गया पिताजी जाके कान पकड़ के, तो पढ़ना है कि खाली खेलते रहना है। तो देखो 90s में क्या था, तो बच्चा जाके खेल रहा है तो माँ जाके कान पकड़ के कहते, दिन भर बाहर घूमता रहता है, चल घर चल। और आज दुनिया में देखो बच्चे दिन रात लगे रहते हैं और मोबाइल में वीडियो गेम सेलफोन गेम लगे रहते हैं, तो माँ कहती है दिन भर घर बैठा रहता है, जा बाहर जाके खेल। तो आजकल हम सभी सिडेंटरी हो गए हैं, चाहे बच्चे चाहे बड़े। आप ऑफिस में मेजोरिटी हम क्या करते, देखना दिन रात लगे रहते हैं कंप्यूटर में, लगे रहते हैं एक कंगारू जैसा, सारा दिन ऐसे बैठेंगे तो क्या हाल होगा। शाम को घर लौट के, हाय मेरा कमर, हाय मेरा गर्दन, तो फिर क्या स्पॉन्डिलाइटिस होगी कि नहीं होगी। चाहे ऑफिस का काम हो चाहे घर का काम, घर भी आके क्या करते हैं हम, देखो टीवी के सामने बैठ जाते हैं और क्या खा रहे हैं, कितना पॉपकॉर्न देख लो, कितने कुरकुरे, क्या हाल है देखो सभी की। अमेरिका में तो सबसे बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी ओबेसिटी है। हमारा 10 किलो भी वेट बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट को एक दिन में 1,000 लीटर खून एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है, तो हार्ट का क्या हाल होगा। तो 1,000 बीमारियां आती है। तो वी हैव बिकम सेडेंटरी नाउ। साइंटिफिक स्टडीज से प्रोलॉन्ग सिटिंग इज हैजर्डस, लंबे समय तक बैठे रहना ये बीमारी का जड़ है। जो 3.5 घंटा से ज्यादा बैठता है डेली कंटिन्यूअसली, उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, सब बीमारियां एक के पीछे एक आएगी। तो इसलिए हमें सचमुच बहुत सावधान होना जरूरी है और हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल त्यागना पड़ेगा। अगर सिटिंग जॉब है तो 1 घंटे के बाद उठ जाओ, थोड़ा 1 मिनट के लिए भी थोड़ा टहल लो फिर बैठो, लेकिन लंबे समय तक नहीं बैठना है। तो आज दूसरी बात है स्ट्रेस। आज देखो घर घर में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द 21st सेंचुरी। और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कहता है स्ट्रेस इज द बेसिक कॉज ऑफ मोर देन 60% ऑफ ऑल ह्यूमन इलनेसेस एंड डिजीजेस। जितने भी बीमारियां देख रहे हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, स्ट्रोक, कैंसर, ये सब इसका मेन कारण स्ट्रेस है। तो इसलिए ये सब बातों को हमें समझना जरूरी है। तो स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस इज ए स्टेट ऑफ मेंटल डिसहार्मनी। जब कोई परिस्थिति आ जाती है, समस्या आती है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, हमारे मानसिक संतुलन हम खो बैठते हैं, इसलिए हमें तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। कहने का भावार्थ है कि हमें दोनों तन को और मन को दोनों को ठीक रखना पड़ेगा। दोनों, जब तक दोनों ठीक नहीं होगा जीवन का आनंद नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है फिजिकली हेल्दी कैसे बने, फिर मैं मेंटली हेल्दी कैसे बने, दोनों का बैलेंस कैसे रखें मैं बताऊंगा। तो हु इज फिजिकली हेल्दी, आपका क्या विचार है? कोई देखने में हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, गोरा है, मस्कुलर है, तो क्या है उसको फिजिकली हेल्दी कहेंगे?
नहीं, हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से कहते हैं कोई अगर 5-6 घंटा साउंड स्लीप करता है, अनडिस्टर्ब स्लीप होता है, जो भी खाता है ठीक से हजम कर पाता है और बिना हाँफे भाग दौड़ करके सब कुछ काम कर सकता है, उसका बॉडी वेट आइडियल है, उसका हाइट के अनुसार जितना वेट होना चाहिए उतना है, उसका ब्लड प्रेशर सही है, उसका टेम्परेचर सही है, तब कहेंगे फिजिकली हेल्दी। तो ये सब बातें होनी चाहिए, वाइटल्स ठीक होना चाहिए, नींद ठीक हो, डाइजेशन ठीक हो, बिना हाँफे भाग दौड़ कर सकें, सब काम कर सकें, वजन सही हो, बीपी सही हो, टेम्परेचर सही हो, तब कहेंगे फिजिकली हेल्दी, ठीक है ना। नहीं, और कैसे हेल्दी बनेंगे, सबसे पहले तो बहुत अपना शरीर को प्यार करना पड़ेगा। बहुत लोग रूखा सूखा सन्यासी बन जाते हैं, ठीक से खाएंगे नहीं, ठीक से पिएंगे नहीं, ठीक से शरीर का संभाल नहीं करेंगे। अरे हमारे पास एक गाड़ी है तो गाड़ी को कितना संभाल करते हो आप, उसको रेगुलरली फ्यूल डालते हो, गैस डालते हो, उसका सर्विसिंग करते हो, उसका कितना ख्याल रखते हो। लोग तो आजकल जो हमारे रिलेशन से भी ज्यादा प्यार करते हैं अपने गाड़ियों गाड़ियों को। तो एक गाड़ी है उसका क्या वैल्यू है, उसका कितना प्यार करते हो आप उसको। लेकिन इस शरीर तो एक अमूल्य गाड़ी है, इसका आप कीमत निकाल सकते हो। मैं कहूंगा आपका हाथ काट के दे दो, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। आप देंगे? कभी नहीं। चलो हाथ नहीं दो, मैं कहूंगा नाक काट के दे दो, 10 करोड़ दूंगा। कोई देगा? एक इंच भी देना कोई नहीं चाहेगा। शरीर इतना वैल्यूबल है, इसका कोई कीमत नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले तो हेल्दी रहने के लिए अपना शरीर को दिल से प्यार करो। और ये शरीर कितना वैल्यूबल है, लास्ट जन्म भले बीमार भी है लेकिन इस शरीर द्वारा हम भगवान से मिल रहे हैं, भगवान को पा लिए, इससे पुरुषार्थ करके हमें 21 जन्म स्वर्गिक सुख मिलेगा। हमको सारा कल्प का कमाई जमा करने का आधार इस शरीर के द्वारा है, तो शरीर कितना मूल्यवान है, तो इसको प्यार करो दिल से, तो ही हेल्दी रहेंगे। तीन बातें मैं शेयर करूंगा, अगर आप सचमुच हेल्दी रहना चाहते हो जीवन में सदा के लिए, तीन बातें, बहुत सारी बातें हैं लेकिन सार में मैं तीन बातें सुनाऊंगा। सबसे पहले तो यू शुड डू होलिस्टिक एक्सरसाइज रेगुलरली। एंड व्हाट इज होलिस्टिक एक्सरसाइज, खाली मैं आगे बताऊंगा डिटेल, लेकिन कहने का मतलब आजकल लोग एक ही प्रकार का कोई एक्सरसाइज करता है। जैसे खाने में हमारे आपको सब चाहिए, चपाती भी चाहिए, चावल भी चाहिए, आपको सब्जियां भी चाहिए, दूध भी चाहिए, कितनी सारी चीजें आप खाते हो, लेकिन सबका अगर संतुलन है तो ही जाके आपका हेल्दी बॉडी होता है। तो एक्सरसाइज भी सब प्रकार का एक्सरसाइज हो तो ही जाके शरीर ठीक रहेगा, खाली एक प्रकार का एक्सरसाइज करने से नहीं चलेगा। तो होलिस्टिक एक्सरसाइज क्या है मैं आगे बताऊंगा, इस प्रकार बैलेंस डाइट एंड साउंड स्लीप, ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बताऊंगा एक्सरसाइज, आज एक्सरसाइज हम सभी को क्यों करना है, क्योंकि हम सभी सिडेंटरी हो गए हैं। विज्ञान के इतने साधन है, सबके पास सब कुछ है, गाड़ी मोटर मोबाइल लैपटॉप क्या नहीं है, सब बैठे बैठे रिमोट से सब काम हो जाता है। पहले जमाने में कितने मेहनत करते थे, भारत में खास हमारी माताओं को बचपन में देखा है, जाके तालाब से पानी गागर में लेके आते थे, एक सिर पर एक बगल में, और घर में सब पूरा, किसी का कोई साधन तो था नहीं, सिलपट्टा से सब मसाला पीसना, चक्की पीसना, सब क्या नहीं करते थे, कपड़े सटका लगा के सफाई करना, सब काम, कुआं से पानी निकालना, क्या काम नहीं करते थे, एक एक माता इतनी काम करती थी बात मत पूछो। लेकिन आज हम सब खाली लग्जरी हो गया, घर में सबके क्या क्या नहीं है, वॉशिंग मशीन, ड्राइंग मशीन, मिक्सी से लेके सब कुछ, भाई लोगों के भी जीवन में, सबके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, इसलिए हम सभी को एक्सरसाइज करना जरूरी। एक गाड़ी है, गाड़ी को कभी चलाओ नहीं, खाली रखे रहो, बढ़िया गैरेज बना के रखे रहो, डेली अगरबत्ती लेके उसको, वाह मेरे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, तो क्या होगा, चमक हो जाएगा। इसी प्रकार इस शरीर को भी जितना चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे तो अंत तक चलते रहेंगे, बैठ गए तो बैठ जाएंगे, बिल्कुल उठ ही नहीं पाए, तो इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो इट बूस्ट योर इम्यूनिटी, नहीं तो फट से इन्फेक्शन, जर्म्स, वायरस, कोरोना सब पकड़ता है। इसको बॉडी इम्यूनिटी ठीक होगी एकदम ठीक रहेगा। हमारे हॉस्पिटल में कितने को, हमारा हॉस्पिटल तो कोविड हॉस्पिटल हो गया था, कितने स्टाफ को भी हो गया, कितने डॉक्टर्स को भी हो गया,
लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। बाबा ने मुझे आप सभी की दुआएं हैं और डेली एक्सरसाइज करता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सो इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी एंड इट विल रिड्यूस योर डिजीजेस लाइक डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, ये आपको होगी नहीं। आप रेगुलर फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो इससे बीमारी दूर रहेंगे और इट विल डिक्रीज योर बॉडी फैट। आप ओबेस नहीं होंगे, एकदम आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करेंगे, फिट रहेंगे और इट विल स्ट्रेंथन योर बोन मसल एंड यू बी एनर्जेटिक। एक्सरसाइज से आपका सब एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, बॉडी एकदम मजबूत हो जाएगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे और आपके जॉइंट स्टिफनेस, कोऑर्डिनेशन, मोबिलिटी, ये सब देखो बहुत सुंदर हो जाएगा आपके। नहीं तो थोड़े उम्र के बाद देखना कमर है, घुटना नहीं मुड़ता है, हाथ ऊपर नहीं उठता है, बहुत सारा स्टिफ हो जाता है बॉडी। तो आपका बहुत अच्छा मोबिलिटी रहेगी अंत तक, बुढ़ापा तक भी। और रिड्यूस क्रॉनिक पेन, बहुत लोग कहते हैं हाय हाय करते हैं, डॉक्टर साहब कमर में दर्द है, डॉक्टर साहब ये होता रहता है, ये सब होगा नहीं, क्रॉनिक पेन ठीक हो जाएगा। एंड इट विल क्लियर योर आर्टरीज, स्ट्रेंथन हार्ट एंड इंप्रूव सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन टू बॉडी। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिल जोर से धड़केगा तो और फ्लस हो जाएगा, सारा जो जमा हो जाता है आर्टरी के अंदर, फिर हार्ट ब्लॉक हो जाता है, फिर स्ट्रोक हो जाता है, ये सब नहीं होंगे, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल और बॉडी के हर अंग तक पूरा ऑक्सीजन पहुंचेगा एंड इट विल डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, शरीर की सारी गंदगी निकल जाएगी एंड इट विल इंप्रूव योर कॉम्प्लेक्शन। आप डेली एक्सरसाइज करेंगे ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आप दिन प्रतिदिन गोरे बनते जाएंगे, गोरे बनते जाएंगे, स्किन फेयर हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको? और साथ साथ मेंटल बेनिफिट भी है। देखिए आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे इट विल डिक्रीज योर स्ट्रेस। आपके ब्रेन से बहुत सुंदर हार्मोन एक्सरसाइज करने से सीक्रेट होता है, एंडोर्फिन्स कहते हैं, जिसके जिसके कारण यू विल फील हेल्दी एंड गुड। इट विल बूस्ट योर मूड एंड कीप यू यूफोरिक, मीन एक सेंस ऑफ वेलबींग आपको होगा, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देखना आप कहेंगे कैसे हो, पता नहीं आज कुछ मजा आ रहा है। तो ये भी एक प्रकार की बीमारी है। हम सभी सदा खुश रहना चाहिए, एकदम जीवन में एकदम आनंदित प्रफुल्लित रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। तो वो एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन से जो हार्मोन बनता है उससे आसान होता है। देन इट विल इम्प्रूव योर मेमोरी। और देखना थोड़े उम्र होने के बाद बुढ़ापा में तो सब भूल जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करते रहेंगे तो एकदम मेमोरी भी शार्प रहेगी और इट विल इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्या होगा? इट विल इंक्रीज योर लाइफ स्पान, और क्या चाहिए, दीर्घायु बन जाएंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज का बहुत बेनिफिट है। लेकिन एक्सरसाइज किसे कहा जाता है? इट इज अ वॉलंटरी एंड रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। खाली हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम घर में तो काम करते हैं, इतना मेहनत करना पड़ता है, ये क्या फिर एक्सरसाइज क्यों करें? लेकिन नहीं, एक्सरसाइज करना जरूरी है, एक्सरसाइज अलग चीज है। जैसे देखिए ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं, एक पुशअप लगा रहा है, एक हिल क्लाइंबिंग कर रहा है, तो रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है। आप सेम मसल्स ग्रुप को, जॉइंट्स को रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे हो, फिर इसके बाद ये दूसरा कुछ करेंगे, तो बॉडी को वॉलंटरली रिपीटेटिवली मूवमेंट करा रहे हो तो इसको कहते हैं एक्सरसाइज। तो आज एक्सरसाइज की आवश्यकता है, सभी को करने की आवश्यकता है। लेकिन दुनिया में बहुत प्रकार की तरह तरह की एक्सरसाइज सिखाते हैं। कोई कहता है कि एरोबिक करो, एरोबिक माना जिसमें हमको ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए। आप वॉकिंग करना, स्केटिंग करना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये सबको हम एरोबिक कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है। दूसरा है एनएरोबिक, आप कोई जिम खाना में जाके वहाँ ऐसे डंबल बारबेल आदि वेट उठा के अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। शॉर्ट ग्रुप ऑफ मसल्स थोड़े समय के लिए काम करते, इसमें ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं है, तो ये एनएरोबिक एक्सरसाइज जिम खाना में जाके लोग करते रहते हैं। इस प्रकार आसन करते रहते हैं, ये तो बहुत कॉमन है आजकल, उसको योगा योगा कहते हैं। अरे योग अलग चीज है, आसन अलग चीज है। योग इज फॉर योर माइंड, आसन इज फॉर योर बॉडी। महर्षि पतंजलि हम सभी को योगासन सिखा के गए थे। योग इज प्योरली मेंटल, इट इज ए मेंटल प्रोसीजर। लोग इसलिए तो देखो हम क्या कहते हैं, भुजंगासन, वज्रासन, मत्स्यासन, मयूरासन, कोई नहीं कहता है मयूरा योग और भुजंगा योग, कोई नहीं कहता है, आसन कहते हैं। तो दीज आर ऑल आसन, दीज आर पोस्चुरल एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, ये भी स्ट्रेस कम होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ता है इसमें कहते हैं। और
नेक्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको प्राणायाम कहते हैं हम, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए। तो ये चार प्रकार का एक्सरसाइज, लेकिन इसमें से विच वन इज द बेस्ट, इसमें कोई एक को हम बेस्ट नहीं कह सकते। जैसे आप पूछेंगे कि चावल दाल सब्जी छाछ भाजी, इसमें कौन सा बेस्ट है? अरे सब चाहिए बॉडी के लिए, ये एक बेस्ट तो नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार हमें चारों ही प्रकार का एक्सरसाइज करना जरूरी है, तब कहेंगे इसको होलिस्टिक एक्सरसाइज। लेकिन लोग खाली टहल के आ जाते हैं, सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन आपका फिर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, आपका हाथ तो ऊपर उठाते नहीं हो। तो हमें ऐसा एक्सरसाइज करना है जिसमें पूरा होल बॉडी, लेकिन साथ साथ माइंड भी, सब प्रकार का मन का भी एक्सरसाइज होता है। आप कहेंगे हम ग्लोबल हॉस्पिटल में रोज, मैं सवेरे सवेरे ऑनलाइन कराता हूँ, आज मिस करना पड़ा आप सभी के लिए, अभी वो लोग कर रहे हैं। मैं डेली हम 6 से 6:30 यहाँ ऑनलाइन बहुत भाई बहन जुट के करते हैं। मैं एक दिन अपर बॉडी कराता हूँ, एक दिन कोर स्ट्रेंथ देने, एक दिन लोअर बॉडी, एक दिन होलिस्टिक एक्सरसाइज, एक दिन वॉकिंग योगा, सब कराता हूँ, जिसमें सब कुछ आ जाता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब करेंगे। इसमें एरोबिक एनारोबिक स्ट्रेंथनिंग सब सब ब्रीदिंग आसन सब आ जाता है। तो होलिस्टिक एक्सरसाइज आपको भी यूट्यूब में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन भी आएगा। डेली एक्सरसाइज फॉर यू बाय डॉक्टर श्रीमंत, डेली एक्सरसाइज फॉर यू बाय डॉक्टर श्रीमंत, आप क्लिक करिए उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए, देखना आपको आएगा। आप जितना हो सके स्टार्ट स्लो गो स्लो करते रहिए, देखना बहुत लोगों ने 6 6 महीने में 8 10 किलो वेट करके एकदम फिट हो गए, सब सब प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो इसलिए द एक्सरसाइज व्हिच इज गुड फॉर योर माइंड एंड बॉडी एंड सोल, इट इज कॉल्ड होलिस्टिक एक्सरसाइज। एंड WHO ऑल्सो रिकमेंड्स कि खाली आप एरोबिक करने से नहीं चलेगा, आप दिन में आधा घंटा कम से कम, वीकली 5 दिन एक्सरसाइज करो, 150 मिनट्स पर वीक, माना डेली 30 मिनट्स हो गया 5 दिन अगर करते हो तो 5 दिन कम से कम वीकली एक्सरसाइज करो। और जिसको वेट कम करना है तो 300 मिनट्स करना पड़ेगा, अर्थात डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और साथ साथ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करो, क्योंकि थोड़ा सा 50 साल के बाद देखना आपके मसल सारे फ्लबी हो जाते हैं, लुढ़कने लगते हैं, तो आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा एकदम फिट रहने के लिए, टोन ऑफ होके रहने के लिए। तो इसलिए एरोबिक एनारोबिक ये 2 3 दिन करो, बहुत अच्छा है। साथ में अगर ब्रीदिंग करते हो तो बहुत अच्छा, आसन करते हो तो फ्लेक्सिबल रहेगा। तो चारों प्रकार का एक्सरसाइज करना है। एंड याद रखना है, एक्सरसाइज इज ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। जैसे रोज हम खाते हैं, 2 दिन नहीं खाया तो क्या हाल हो जाता है, इस प्रकार एक्सरसाइज कितने सालों से भी क्यों ना करते आए हो, लेकिन 2 दिन भी एक्सरसाइज नहीं किया तो एक्सरसाइज का बेनिफिट खत्म हो जाएगा। देखना ये मोटू दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, पतला हो गया, फिर छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया जैसे टू भूल गया, फिर जॉगिंग कर रहा है, फिर पतला हो गया, फिर छोड़ दिया एक्सरसाइज, फिर छोड़ दिया तो फिर से टू भूल गया। तो इसलिए जब तक एक्सरसाइज करते रहोगे तब तक आप हेल्दी रहोगे, एक्सरसाइज छोड़ दिया तो उसका बेनिफिट भी खत्म हो जाएगा। सो बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं मिलता है क्या करें? नहीं देखो, हम नेट सर्फ करते करते मोबाइल में बातें करते करते कितना टाइम हमारा वेस्ट होता है। सो इफ यू हैव टाइम टू वॉच टेलीविजन एंड सर्फ द नेट, यू हैव टाइम टू एक्सरसाइज, देयर इज नो एक्सक्यूज, स्टॉप बीइंग लेजी, इट इज ओनली हाफ एन आवर डे, आधा घंटा ही तो अपने लिए देना है। आप गाड़ी को सफाई कराते हो कि नहीं, उसको गैस भरते हो कि नहीं, उसका पानी भरते हो कि नहीं, उसको सर्विसिंग कराते हो कि नहीं, तो ऐसे ही शरीर भी एक गाड़ी है, तो इसको भी तो देखना पड़ेगा। खाली चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन अचानक एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज इज मस्ट, लेकिन कुछ प्रिकॉशन आपको लेना है, स्टार्ट स्लो गो स्लो। कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया हो, एकदम पहला दिन ही 1 घंटा कर लोगे, दूसरा दिन खटिया पकड़ लोगे, धीरे धीरे जितना हो सके अपने से धीरे धीरे 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट करते बढ़ाओ। अगर बीच में आपको टायर्ड लगा, पालपिटेशन हो गया, अनकंफर्टेबल लग रहा है, गिडीनेस है, घबराहट हो रहा है, बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं। और अपने फिजिशियन से पूछ सकते हो, आपको और कुछ हो सकता है, और डॉक्टर्स अगर आपको मना करते हैं कोई एक्सरसाइज नहीं करना है तो नहीं करना है, स्पॉन्डिलाइटिस है, आगे नहीं झुकना है, नहीं झुकना है। और एम्प्टी स्टोमक इस्तेमाल करो, थोड़ा सा हल्का चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, पानी थोड़ा की कोई ड्राई फ्रूट ले सकते हो, हल्का उनका खा सकते हैं, लेकिन फुल मील खा के पेट भर के एक्सरसाइज कभी नहीं हो। इसलिए सवेरे शाम करना एम्प्टी स्टोमक में अच्छा है। पानी आप हमेशा पीजिए, बीच में भी पी सकते हो, और हाइड्रेट कीजिएगा।
डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल्ड है तो ऐसे समय पर एक्सरसाइज अवॉइड करो, क्योंकि अगर शुगर आपका 300 है, ज्यादा एक्सरसाइज कर लोगे तो 500 हो जाएगा। लो शुगर है, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो एकदम बेहोश हो जाओगे। इसलिए बीपी, शुगर ये सब कंट्रोल होगा तो करो। हल्का फुल्का करना अलग बात है, लेकिन पूरा विगरस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना। कभी भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा शूज एंड सॉक्स पहन के ही करना है, नहीं तो पाँव में इंजरी हो सकती है। पहले वार्म अप, फिर स्ट्रेच अप, फिर एक्सरसाइज, फिर कूल डाउन, इसके बाद। ये है एक्सरसाइज का नियम। अचानक एक्सरसाइज नहीं करना होता, पहले बॉडी को धीरे धीरे वार्म अप करना होता है। समझ गए होंगे सार में। अभी दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, हेल्दी डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से समझिए। क्योंकि आप कितना भी एक्सरसाइज करते रहो, अगर खान पान ठीक नहीं है तो कभी हेल्दी नहीं रह सकते। कितना भी खान पान परहेज करो, खिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, तो भी एक्सरसाइज, तो भी हेल्दी नहीं रह सकते। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से हजारों साल पहले हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, वो कह के गए हैं, वो मैन लेट फूड बी दाई मेडिसिन, ये मानव भोजन तुम्हारा दवाई की तरह हो जाना चाहिए। इसका क्या मतलब? दवाई इतनी थोड़ी थोड़ी जैसे खाते हैं, ऐसे खाना भी थोड़ा थोड़ा खाए? नहीं, आपको कम खाने की जरूरत नहीं है। आपको यू हैव टू ईट राइट, जो आपके शरीर के लिए उचित है, जो अनुकूल है, जरूरी है, उसको ही खाना है। आज दुनिया में तो क्या क्या मिलता है, कितने गंद चीजें दुनिया में बाजार में भरपूर, ये सब खा के तो बीमार हो रहे हैं। हमें हेल्दी फूड क्या है चॉइस करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। ये सब जंक फूड, फास्ट फूड बाजार में जो मिलता है, कितने इसमें ट्रांस फैट है, कितने सेचुरेटेड फैट है, कितने प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है, इसमें नाइट्रेट से क्या क्या नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कलर्स, जिसके कारण लोगों को सब बीमारियां हो रही, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से, कैंसर से लेके सब। तो हमें, मनुष्य का शरीर एक शाकाहारी शरीर है। आप पेट्रोल गाड़ी खरीदते हो और उसमें केरोसिन, मूंगफली का तेल डाल दोगे तो क्या हाल होगा? तो शरीर में जो डालना चाहिए वो डालना है, तो हमें हेल्दी फूड चॉइस करना पड़ेगा। और हेल्दी ईटिंग हैबिट भी होना चाहिए। हम खाते हैं, कोई तो काम करते करते खाते रहते हैं, देख रहे हो ये लेडी क्या कर रही है, इधर लैपटॉप में काम कर रही है, सामने कितनी चीजें इकट्ठा करके रखी है, देख लो, ये सब खा जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या हाल है शरीर का भी देखो, क्या हाल है। तो इसलिए हमें काम करते करते कभी नहीं खाना है, बातें करते करते कभी नहीं खाना है। ये हमारे वेस्टर्न कंट्रीज, विदेशियों का एक कल्चर है, भारत में वो कल्चर नहीं। मुझे याद है बचपन में हम खाना खाते समय बात करते थे तो हमारे दादाजी टोकते, चुप, भगवान को याद करो, खाओ चुपचाप। तो भारत के कल्चर नहीं है। विदेश में देखना, सब डाइनिंग टेबल में बैठ के दुनिया भर के गपशप करते रहेंगे, खाते रहेंगे। हमारे सांस नली और यहाँ अन्न नली दोनों साथ साथ है। आप बातें करते करते खाते समय एक फूड पार्टिकल अगर सांस नली में घुस जाता तो कितनी खांसी होती है, आप सब जानते हो। और शराब पी के कोई मटन खा रहा है, एक्सीडेंटली मटन पीस अगर घुस गया एयरवे में, बस चोक हो जाता है, फिर तो कल्याण। तो इसलिए बातें करते करते नहीं खाएं, काम करते करते नहीं खाएं, टीवी देखते देखते नहीं खाएं, जल्दी जल्दी नहीं खाएं, धीरे धीरे चबा के अच्छी तरह से, तो डाइजेशन ठीक से होगा। और खाने से पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हो, बीच में पी सकते हो, बाद में पी सकते हो, पानी पीना मना नहीं। बहुत लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, तो इसलिए ये सब थोड़ा सा हम सावधानी रखेंगे तो जाके हम हेल्दी रह सकते हैं। और हम सभी को बैलेंस डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट माना क्या? देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। हमारे भोजन में कुछ चीजों से हमें शक्तियां मिलती है, हमारा बॉडी बिल्डिंग में काम में आता है, तो उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, ये बॉडी के लिए चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। मैक्रो माना ज्यादा, माइक्रो माना थोड़ा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे जो बताया, अनाज है, दालें हैं, दूध दही है, तेल घी है, ये सब हमारे लिए जरूरी है, बॉडी के लिए ये मैक्रो है, ज्यादा चाहिए। लेकिन हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है। आपको बॉडी के लिए कैल्शियम चाहिए, नहीं तो हड्डी कमजोर हो जाएगी, आयरन चाहिए, खून बढ़ेगा, नहीं तो एनीमिया हो जाएगी। तो हमारे लिए विटामिन, मिनरल्स, ये सबको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। दोनों का बैलेंस हो। हमारे भारतीय भोजन, हमारी माताएं कितने सुंदर खाना बना के देती है, देखो, रोटी भी है, चावल भी है, दाल भी है, सब्जियां भी है, भाजी भी है, रायता भी है, कितनी सारी चीजें देती है जो हमारे बॉडी के लिए सब मिल जाए।
विदेश में पिज्जा खाएंगे तो खाली पिज्जा, बर्गर खाएंगे तो खाली बर्गर, एक प्रकार का तो बैलेंस डाइट नहीं है, हमें बैलेंस डाइट। और दूसरा, बैलेंस कैलोरीज अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड, हमारे शरीर के लिए जितनी कैलोरी की आवश्यकता है हमारे भोजन में उतनी कैलोरी होनी चाहिए। हम ज्यादा खाएंगे तो ओवरवेट होते जाएंगे, कम खाएंगे तो अंडरवेट होते जाएंगे। हमारे बॉडी के लिए हर एक का अलग अलग है। हम अगर ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, सारा दिन में कम से कम 1200-1500 कैलोरी खाएं, उससे ज्यादा खाएंगे तो ओवरवेट होंगे। कोई बहुत मेहनत करता है, तगड़े उठाता है, भाग दौड़ करता है बहुत, तो उसको चलो 2500-2000-3000 तक भी खा ले, कोई प्रॉब्लम। लेकिन कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो 1500। वेट कम करना है तो 1200 कैलोरी खाना चाहिए। आजकल सब मिल जाता है नेट में, आप सर्च करेंगे 1200 कैलोरी क्या क्या खाना है, सब मिलेगा। वेरी सिंपल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जितने भी वेजिटेबल्स है जो सलाड बना के खाते हो, रूट वेजिटेबल नहीं एक्सेप्ट पोटैटो, बाकी जो वेजिटेबल्स खाते हो उसमें 100 ग्राम में 25 कैलोरी ही होता है, 100 ग्राम में 25 कैलोरी। जितने भी फ्रूट्स खाते हो, फ्रूट्स 100 ग्राम में लगभग 50 कैलोरी होते हैं, एक्सेप्ट मैंगो, केला, ये सब कुछ छोड़ के। केला में ज्यादा है, मैंगो में भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बाकी सारे जो फ्रूट्स है ज्यादा बहुत स्वीट नहीं है, तो उस 100 ग्राम में 50 कैलोरी। एक एप्पल खाते हो तो लगभग 200 ग्राम होता है, 1 किलो में 5 एप्पल आता है, तो 100 कैलोरी होगा, एक एप्पल खाओ 100 कैलोरी होगा। इसी प्रकार जितने अनाज की दाल खाते हैं, चावल, चपाती, जो भी खाते हैं, गेहूं, राइस, बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स, ये सब इसमें 100 ग्राम में 100 कैलोरी। ये कुक्ड वाला बता रहा हूँ, अनकुक्ड वाला तो 100 ग्राम में 400 कैलोरी है। अगर आप उसको चावल ले लेंगे, उसको राइस भात बनाएंगे तो उसमें 100 ग्राम खाएंगे तो 100 कैलोरी होता है। दाल भी ऐसे कुक्ड वाला, कम से कम तेल से बना हुआ। और जितनी तली हुई आइटम खाते हो आप, जो भी फ्राइड आइटम है या डेजर्ट से जो भी स्वीट्स खाते हो, जैसे समोसा खाया, कचौरी खाया, गुलाब जामुन खाया, ये सब 100 ग्राम में 500 कैलोरी होते हैं, 500 कैलोरी। और जितने जो घी है, मक्खन है, बटर है, तेल है, इसमें 100 ग्राम में 1000 कैलोरी होते हैं। तो इसलिए बी केयरफुल कि 1000 कैलोरी 500 कैलोरी वाला एवॉइड, जितना हो सके साग सब्जी वेजिटेबल इसमें आप कमी फूल करना है तो वेट नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान देना जरूरी है। एंड बैलेंस नंबर ऑफ मील्स इन अ डे, देखो मधुबन में हमारा बाबा ने शुरू किया था 4 बार खाने के लिए। सवेरे नाश्ता 8-9 बजे तक मिल जाता है, 12-1 बजे तक लंच मिल जाता है, शाम को 4 बजे हल्का सा कुछ नाश्ता मिलता है, कभी मुरमुरा, कभी पॉपकॉर्न, कभी मकई के चौड़े, कभी क्या, और रात को 8-9 बजे डिनर। ये भगवान ने शुरू किया था, हमने नहीं शुरू किया, भगवान को पता नहीं क्या। कई लोग 2 बार खाते हैं, कई लोग 1 बार खाते हैं, ये गलत है। कई कहते तो 12 बजे तो पानी भी नहीं पीना, उपवास करना, भगवान कभी नहीं ने कहा उपवास करना। अरे हम जो खाते हैं भगवान को पहले भोग लगाते हैं, हम उपवास करेंगे तो भगवान को नहीं खिलाएंगे, ये रेस्पेक्ट है हमारा। श्रीमद् भगवद गीता में पढ़िए, देखिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना या एकदम ज्यादा खा लेना, नहीं, बैलेंस। तो इसलिए बैलेंस नंबर ऑफ मील्स इन अ डे, 4 बार खाना है, कम कम खाओ, 4 बार खाओ, देखो फिर आप हेल्दी रहेंगे। और राइट मील्स एट राइट टाइम, कुछ लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे टोस्ट और चाय लेके भाग जाएंगे ऑफिस में, दिन भर काम करेंगे, खाएंगे तो नींद आएगी, तो इसलिए फिर वहां टोस्ट ले लेंगे, सैंडविच ले लेंगे, रात को आके कुंभकर्ण जैसा खाएंगे, तो क्या होगा, कुंभकर्ण जैसा सोएंगे नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा अनाज कम करके, अगर राइस, गेहूं की चीजें, ये सब चीजें कम करके ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेंगे तो आपको सुस्ती नहीं आएगी। तो बैलेंस रखें, तीनों टाइम कम से कम, नाश्ता, लंच, डिनर, तीनों टाइम सेम रखें तो आपको कभी भी आप वेट ओवरवेट नहीं होंगे, आपका अगर डायबिटीज भी नहीं होगा, डायबिटीज है तो भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो तीनों टाइम ठीक से खाएं, क्योंकि दवाइयों का असर होता है। अगर लंबे समय तक आप भूखा रहेंगे कि कम खाएंगे तो एकदम शुगर डाउन हो जाता है, फिर ज्यादा खाएंगे तो एकदम शूट कर जाता है, ब्लूटूथ की तो बैलेंस ऑफ ऑल दिस। तो देखिए हमें कुछ चीजें तो जितना मात्रा में खाएं खाएं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स जितना खाएं, लीफी वेजिटेबल्स जितना खाएं, सलाड जितना खाएं, इसमें ज्यादा कैलोरी नहीं है, वेट नहीं बढ़ेगा, विटामिन मिनरल्स प्रचुर मात्रा में है हेल्दी रहने के लिए। लेकिन बी केयरफुल ऑफ द कैलोरीज
पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। पहले सब्जी अगर मार्केट से लाते हैं तो रनिंग वाटर में अच्छी तरह से धुलाई कर देना है, फिर इसको 1 लीटर में 3 चम्मच नमक दे के मिला के उसमें डुबो के रखेंगे तो बहुत अच्छा। फिर उसको धुलाई करके आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। कुछ अगर टाइम नहीं है तो बेकिंग सोडा 3 चम्मच डाल दीजिए, 5 मिनट के बाद इसको धुलाई करके फिर आप पोंछ के अच्छी तरह से स्टोर कर दीजिए या इमिडिएट कुक कर सकते हो, तो सारा केमिकल पेस्टिसाइड्स ये सब डिटॉक्स हो जाएंगे। और टमाटर सूप पी सकते हो, वेजिटेबल सूप पी सकते हो, बटर मिल्क पी सकते हो, जितना लेना है ले लो, इसमें कैलोरी ज्यादा नहीं होती है, ये प्लेंटी मिलती हो, अनरेस्ट्रिक्टेड जितना लेना है ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ रेस्ट्रिक्टेड जैसे राइस थोड़ा कम खाना चाहिए, बटर मिल्क घी ये सब हाई कैलोरी है, इसमें इसको थोड़ा सा कम लेना है। पापड़ अचार चटनी ये सब चीजें भी इसमें भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसको जितना अवॉइड कर सकते हो अच्छा। चटनी खाना है तो आप पुदीना की चटनी, धनिया की चटनी बनाओ, कड़ी पत्ता की चटनी बनाओ, टमाटर की चटनी बनाओ, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नारियल मूंगफली की चटनी हाई कैलोरी हो जाता है, तो इसलिए ये सब थोड़ा अवॉइड करें। और ये सब तली हुई बताया 100 ग्राम में 500 कैलोरी होते हैं, तो ये कभी कभी ऑकेजनली कुछ होता है, ब्रह्मा भोजन है, दीदी हमारे बुलाए है, बनता है, ठीक है 2 4 पीस खा लिया चलेगा, लेकिन पूरा थाली भर भर के भजिया खा लिया तो सारा दिन की कैलोरी हो गई, तो इसलिए फिर तो 10 घंटा दौड़ना पड़ेगा, तो ये भी थोड़ा सा अवॉइड करें, कम खाए। और ये सब हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कंडेंस मिल्क सिरप, ये ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब चीजें, फ्रूट जूस, शुगर के, ये सब चीजें, जूस तो दांत जब तक ही नहीं पीना चाहिए, फल खाओ ना, किसने मना किया, तो चबा के खा सकते हैं, इसमें रसायन है, तो जितना हो सके जंक फूड फास्ट फूड अवॉइड करें, और आप फ्रूट्स खा सकते हो, ये सब चीजें जो खाना है खाओ, कोई मना नहीं है। जिसको डायबिटीज है बहुत मीठा फल अवॉइड करो, तो आजकल तो कितना चेरीज वेरीज सब मिलता है, सब सारे वर्ल्ड में मिलता है, जो खाना है खाओ, प्लम्स पीचेस सब मिलते हैं, लेकिन एट ए टाइम 200 250 ग्राम खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट सर ये नट्स, ये ज्यादा नहीं खाना है, नट्स में 100 ग्राम में 600 कैलोरी होता है और ड्राई फ्रूट में 100 ग्राम में 300 कैलोरी होता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं खाना है, कम कम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी खाएंगे। और ऑयल्स भी देखिए, आप ऑलिव ऑयल हार्ट फ्रेंडली ऑयल है, इसमें हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, राइस ब्रान डीप फ्राई के लिए बहुत अच्छा है, तलने के लिए डीप फ्राई करेंगे ना इसमें ज्यादा चुसेगा नहीं, अब्जर्व होगा नहीं। सनड्रॉप ये राइस ब्रान और सनफ्लावर का मिक्सचर है, और इस प्रकार सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, वेराइटी रखो घर में, एक प्रकार का नहीं, घर में 4 वेराइटी कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम एक व्यक्ति के लिए महीने में 500 ml ही यूज होगा, आधा लीटर ही, तेल घी सब मिला के, अगर घर में 8 फैमिली मेंबर है तो 4 लीटर ही यूज होगा, लेकिन मैक्सिमम फैमिली में बहुत ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं, उसमें से मान लीजिए 4 लीटर यूज करते हो तो 1 लीटर घी, 1 लीटर सनफ्लावर, 1 लीटर मूंगफली का तेल, 1 लीटर सरसों का तेल, ऐसे 4 वेराइटी करेंगे तो बॉडी में जो जो चाहिए सब मिल जाता है। ट्रांसफेट ये बहुत डेंजरस है, ये हार्ट अटैक कराता है, जो बेकरी प्रोडक्ट है, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, इसमें बहुत ज्यादा ये सब ट्रांसफेट होता है, ये सब अवॉइड करो, बहुत डेंजरस है ये सब। और ये सब जंक फूड फास्ट फूड में भी ट्रांसफेट बहुत ज्यादा होता है, और देखा गया है 2% ट्रांसफेट कम कर देते हैं हमारे भोजन में तो 53% हार्ट अटैक होने का रिस्क कम हो जाता है, तो इसलिए क्यों खाएं ऐसी चीजें। हमारे भारतीय कल्चर है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जो भी बनाना है घर में बना के खाओ, बाहर का बाजार का चीज टच नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हाई कैलोरी, हाई फैट, हाई सोडियम, लो इन फाइबर, इसलिए ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब बीमारियों का जड़ यही है, तो इसलिए ये सब चीजें हम जितना अवॉइड करें अच्छा है। यूजुअली हमारे भारत में भी हम देखते हैं कि माताएं जो खाना परोसती है 75% चावल चपाती ला देती है, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ी सी इमली चटनी जो भी है, लेकिन ये ठीक नहीं है, हमारे थाली में 50% तक तो वेजिटेबल होना चाहिए, 50% जो भी आप नाश्ता लंच डिनर के लिए सर्व करते हो, 50% वेजिटेबल, 1/4 चावल चपाती, 1/4 दाने या कर्ड या योगर्ट मिल्क, ये सब चीजें होना चाहिए, ये है रेकमेंडेड, ऐसा होना चाहिए हमारा आइडियल थाली, एक देखो कैसा होना चाहिए। आप अगर चपाती खाते तो 3 चपाती खाओ, वेट कम करना है तो 2 खाओ, 1 खाओ, सब्जी 2 कटोरी ले जाओ, सलाद 2 कटोरी खा जाओ, दाल 2 कटोरी ले जाओ, अगर योगर्ट है
हॉट है तो उसको छाछ गिरा दो, नींबू ले लो, ये एक बैलेंस डाइट। अगर आपको राइस खाने की इच्छा है तो एक चपाती माइनस करो, एक कटोरी राइस ले लो। तो एक कटोरी यहाँ 100 ml साइज का होना चाहिए। 100 ml साइज में लोगे तो एक कटोरी खाएंगे तो 100 कैलोरी होता है। एक कटोरी दाल खाए 100 कैलोरी, एक कटोरी राइस खाए 100 कैलोरी, लेकिन सलाड का कम होगा, 25 कैलोरी होगा। एवॉइड फास्टिंग एंड फीस्टिंग, एकदम कहीं कुछ मिला तो एकदम पेट भर के खा लिया। लोग तो इतना खा लेते हैं कि बात मत पूछो, और कई तो फिर फास्टिंग करते रहते हैं। दोनों हेल्थ के लिए हानिकारक है, नुकसानकारक है, प्लीज एवॉइड ऑल दिस। ओके, और पानी दिन में कम से कम 8-10 ग्लास तो पीना ही चाहिए। 2-4 लीटर पानी पियेंगे तो हेल्दी रहेंगे, फस हो जाएगा बॉडी का सारा गंदगी निकल। लोग पानी ही नहीं पीते हैं तो डॉक्टर साहब कब्जी हो रही है। पानी नहीं पियोगे तो कब्जी होगी कि नहीं, तो आप फ्लस नहीं करोगे तो सारा जाम हो जाएगा, चुक हो जाएगा, ऐसे ही बात है। लेकिन डॉक्टर साहब को मना करते हैं आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो भले पानी कम पियो, कोई बात। सो चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है गुड रेस्ट। आपको 4-5 घंटा तो साउंड स्लीप होना चाहिए। भारत का कल्चर है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मैक्सिमम हेल्दी वेल्दी। लेकिन आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अंधानुकरण करते करते सब लेट नाइट तक मोबाइल लैपटॉप में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में सोएंगे 2-3 बजे, उठेंगे 12 बजे, तो बीमारियां होगी कि नहीं। और दूसरी बात, हमारे स्लीप एडिक्वेट है कि नहीं ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि इफ नॉट देन ओपन योर आइज फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। ये साइंस के रिसर्च कहते हैं कि बोथ एक्सेस एंड इनएडिक्वेट स्लीप कैन कॉज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज एंड मेनी अदर डिजीज। ज्यादा सोना भी नुकसान कारक है और कम सोना भी नुकसान। बाबा ने अभी 4-5 दिन पहले मुरली में थी, याद होगा, बाबा ने कहा है बच्चे अज्ञानियों के लिए तो 8 घंटा नींद चाहिए, लेकिन आपको योगी के लिए आधी नींद की आवश्यकता। हमारा अनुभव कहता है, मधुबन में इतने सालों से रहते हैं, 4-5 घंटा साउंड स्लीप बहुत सफिशियंट है। मैं हमारे जगदीश भाई जी को पूछा था, भाई साहब कितना घंटा सोना चाहिए, क्योंकि मैं सारा एक्सपेरिमेंट करके देखा, नहीं सो के भी देखा, ज्यादा सो के भी देखा, लेकिन जगदीश भाई ने कहा नहीं, अगर आप ठीक रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से 5 घंटा सोना चाहिए। क्योंकि हम कोई गुफा में बैठ के अकेले तपस्या करने वाले तो है नहीं सन्यासी, हम पब्लिक इंटरेक्शन में आते हैं, सबके साथ व्यवहार में आते हैं, और हम थके थके रहते हैं तो बात करते करते उबास ही खा रहे हैं, लोगों को क्या लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे राजी होगी है ये। इसलिए हम 4-5 घंटा साउंड स्लीप करें। अगर साउंड स्लीप नहीं है तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर 50% बढ़ने के चांस है, डायबिटीज 28%, ओबेसिटी 35%, और डिप्रेशन 2x होने का चांस है। इसलिए नहीं, आपको साउंड स्लीप के लिए एक टाइम फिक्स कीजिएगा। मुझे बाबा कहते 10 मना, बस 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। अभी 2-4 दिन पहले ही मुरली में थी, तो जल्दी सोना है जल्दी उठना। डेली अगर एक टाइम फिक्स करेंगे तो नींद खटिया में जाते ही नहीं जाए। देन एक फेवरेबल एटमोसफेयर बनाना जरूरी है। बहुत लाइट है, बहुत आवाज हो रहा है, तो कैसे नींद आएगी। तो इसलिए आपको एक फेवरेबल एटमोसफेयर बनाना, और डेली धूप में कम से कम 2 घंटा बैठेंगे तो बहुत अच्छा है। ये भी आपको विटामिन डी भी मिलेगा, साउंड स्लीप के लिए बहुत मदद करता है। और मेडिटेट रेगुलरली, रोज मेडिटेशन करना जरूरी है। सोने से पहले अगर नींद नहीं आती है तो बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। और डोंट टेक लॉन्ग नैप, दोपहर को कई लोग 3-4 घंटा सो जाते हैं, तो फिर रात को कैसे नींद आएगी, तारीख गिनते रहेंगे। तो आधा घंटा नैप लेना ठीक है, 1 घंटा नहीं सो। एवॉइड अल्कोहल एंड कैफीन बिफोर गोइंग टू बेड, रात को सोने से पहले चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, तो स्टिमुलेंट है, कहाँ नींद आएगी। और टेलीविजन, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीजें त्यागना है। ये सब लगे रहेंगे तो कब 12 बजेगा, 1 बजेगा, पता ही नहीं चलेगा। ये सबसे भी दूर रहना है, तो जाके हम साउंड स्लीप कर सकते हैं। सो ए साउंड एंड अनडिस्टर्ब स्लीप ऑफ 5 to 6 hours एट नाइट इज अ मस्ट फॉर गुड हेल्थ। क्योंकि रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक जो समय है, ये सोने का समय है। इस समय जो जागते हैं उनके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत एकदम सर्ज कर जाते हैं, जिसके कारण डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर आएगा, दिल का धड़कन बढ़ेगा, सब प्रकार के प्रॉब्लम्स हो जाए। इसलिए हम 10 बजे सो जाए, 4 बजे उठे, ये बाबा का नियम, आज साइंटिस्ट लोग भी कह रहे हैं। सो डोंट इग्नोर योर स्लीप, ए साउंड स्लीप एट नाइट इज ए मस्ट फॉर गुड हेल्थ। ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप शरीर के बारे में सोच समझ गए कि हमारा एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, हमें भोजन कैसे बैलेंस रखें, साउंड स्लीप करें, ये तीन बातें फिजिकल हेल्थ के लिए। अभी हम सुनेंगे कि एक हेल्दी माइंड कैसे अचीव करें, कैसे हमारा मन भी दुरुस्त हो जाए। तन दुरुस्त होने के लिए तो समझ गए, अभी मन दुरुस्त कैसे हो। देखिए वही तीन बातें मन के लिए भी बताऊंगा। डॉक्टर सभी कहेंगे आपको अगर हेल्दी रहना चाहते हो डेली एक्सरसाइज करो, अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लो, रेस्ट करो, तीन बातें ही चाहिए। तो ऐसे ही मन को भी अभी एक्सरसाइज कराना, मन को भी एक्सरसाइज करना सीखना है। पहले तो जानना जरूरी है मन क्या है। देखिए हमारा शरीर अलग है, मन अलग चीज है। हमारे शरीर में एक चेतना शक्ति है, जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, ऐसे हमारे अंदर एक शक्ति है जिसको हम सोल आत्मा कहते हैं, और हमारे कर्मेंद्रियों द्वारा ये आत्मा सब सब काम कराती रहती है। ये एक चेतना शक्ति है। सोल इज द मास्टर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। आंखें देखती नहीं है, आंखों के थ्रू आत्मा देखती है। आंखों को तो झरोखा कहा जाता है, नहीं तो एक डेड बॉडी के भी आंखें खुली है लेकिन डेड बॉडी देखता है क्या? नहीं देख पाता ना। तो कौन देख रहा था? हमारे अंदर जो आत्मा है। और ये आत्मा में तीन शक्तियां हैं, एक सोचने की शक्ति, एक निर्णय करने की शक्ति, एक कर्म करने की शक्ति। ये तीनों को मन बुद्धि संस्कार कह दिया है। मन जो हम मन में विचार आता है, कंट्रोल पाता है, सोचते हैं, उसको ही मन कहा जाता है। और जो हम ये राइट है, रॉन्ग है, अच्छा है, बुरा है सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, वो बुद्धि द्वारा करते हैं। कर्म करते करते आदत जो बन जाती है उसको हम संस्कार कहते हैं। तो ये तीन चीजें कोई अलग चीज नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा है तो ऑफिसर कहा जाता है, वही जाके क्रिकेट मैदान में खेल रहा है तो उसको क्रिकेटियर कहा जाएगा, वही जाके कहीं ऑर्केस्ट्रा में गीत गाता है तो उसको सिंगर कहेंगे, व्यक्ति तो वही है। तो इस प्रकार आत्मा जब सोचती है उसको मन कह दिया गया, जब निर्णय करती है बुद्धि कह दिया गया, और जब कर्म करते करते आदत बन जाती है उसको संस्कार कह दिया गया। तो मन वास्तव में आत्मा ही है, आत्मा ही सोचती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मन और बुद्धि को दोनों को एकाग्र करना पड़ेगा। थॉट्स हमारे मन द्वारा हम थॉट्स क्लियर क्रिएट करते हैं और बुद्धि द्वारा हम विजुअलाइज करते हैं। उदाहरण के रूप में मैं अगर आपको कहूंगा ताजमहल, आप वहां बैठे हो अमेरिका में, घर बैठे भी आपको ताजमहल का चित्र आपके बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा सामने आना। हम स्वप्न देखते हैं तो आंखें बंद रहती है लेकिन कौन देखता है? हमारे बुद्धि रूपी नेत्र, हमारी आत्मा देखती है। तो ऐसे आप कहीं भी हो, मैं ताजमहल कहते ही आपके सामने ये चार मीनार सब ताजमहल ऐसे दिखाई देता है ना? नहीं। तो जब मन में जो सोच रहे हो बुद्धि वही अगर देख रहे हैं तो दोनों का अगर साथ साथ चल रहा है तो उसको कहेंगे एकाग्रता। ऐसी प्रकार देखिए मैं कहूंगा महात्मा गांधी, तुरंत आ गया महात्मा गांधी, आ गया सामने फोटो आ गया। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद आप वहां बैठे बैठे आंखें बंद करके देख पाते होंगे। और मैं कहूंगा माउंट एवरेस्ट, तुरंत आ गया आपके सामने हिमालय पर्वत। इसी प्रकार मैं कहूंगा मोर पिकक, तुरंत आ गया एक पिकक का फोटो सामने। तो हम जो सोचते हैं मन तुरंत ही उसी संकल्प के आधार से बुद्धि द्वारा क्रिएट हो जाते हैं, और दोनों को साथ साथ हम जब एकाग्र करते हैं इसको एकाग्रता कहते हैं। तो एक्सरसाइज करते समय मैं कहूंगा सी बीच देखना, सामने सी बीच आ गया, फिर आपके सामने संकल्प चलेगा, ये सी बीच कितना सुंदर है, कितना एकदम डीप, ओ समुंदर, आकाश में कितना नीला हवा, कितना बढ़िया ठंडी हवा, कितना बढ़िया नारियल के पेड़ है। तो आपके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं? तो हम जब मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे शरीर का एक्सरसाइज करते हैं, तो जब चाहे शरीर को हाथ को ऊपर ऊपर नीचे नीचे सावधान विश्राम एक दो तीन चार, जैसे चाहे बॉडी को ऐसे हम चलाते रहते। इसी प्रकार मन बुद्धि को भी जैसे चाहे जब चाहे जहां स्थिति करना चाहिए हम कर सकते हैं, जितना समय। जैसे मैं कहूंगा सावधान, 5 मिनट भी कहूंगा तो सावधान होकर फिर कहूंगा विश्राम, फिर आप ऐसे ही मन बुद्धि को जब चाहे जहां चाहे जितना समय एकाग्र करना चाहे दोनों साथ साथ, को तब कहेंगे ये मेंटल एक्सरसाइज। मैं अभी अभी आपको कहूंगा मधुवन, आ गया सबके बुद्धि में मधुवन। मैं कहूंगा आप अभी शांति स्तंभ के सामने खड़े हो जाओ, खड़े हो गए सभी, दिख रहा है शांति स्तंभ?
मैं कहूंगा अभी बाबा से शांति स्तंभ से तेज किरण निकल रही है, शांति की, शक्तियों की, पवित्रता की, प्रकाश की किरणें और मुझ में समा रही है। अरे मैं कितना एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, खड़े खड़े आपको महसूस होगा, देखना। तो बुद्धि द्वारा जो आप सोचना चाहते हो, मन बुद्धि द्वारा उसी बात में जितना समझ जाओ उसको, बाबा उसको हमें रूहानी ड्रिल कहते हैं। कहेंगे अभी अभी सोचो मैं साकार रूप में ब्राह्मण आत्मा हूँ, संगम युग में बाबा के साथ तपस्या, अभी अभी सोचो मैं अभी सूक्ष्म बदन में आकारी फरिश्ता स्वरूप, फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा सामने दिख रहे हैं, फरिश्ता स्वरूप, दो सुंदर पंख है मेरे मस्तक के चारों ओर, एक सुंदर प्रभा मंडल है। फिर अभी अभी सोचो मैं मूल वतन में निराकारी ज्योति हूँ, अभी अभी सोचो सत्युग में मैं देवात्मा निर्विकार, तो सारा दृश्य भी सामने आ जाता है, ऐसा अनुभव होने लगता है। तो बाबा कहते इसको ड्रिल करो, हाँ बार 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 बार, तुम्हारे मन बुद्धि तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे, तो मेंटली हेल्दी रह जाओगे। तो इसी प्रकार ये मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। दूसरा हमारा फूड, हमारा मन का भोजन अभी क्या है, क्योंकि मन को भी अच्छा भोजन देना पड़ेगा तो ही मन हेल्दी रहेगा। मन का भोजन क्या है, वॉट आर द मेंटल नरिशमेंट, मन का भोजन है हमारा थॉट्स, जो सोचते हैं हमारा मन का भोजन है। जैसे आप बाजार में जाके गंदी चीजें मक्खी बैठे हैं उठा के खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, आप हेल्दी डाइट ढूंढते हो। इसी प्रकार हमारे मन में भी उल्टे पुल्टे विचार रहेंगे तो क्या होगा, मनोन्मेष भी हो जाएगा। मन के लिए भी हमें पॉजिटिव थॉट्स, पावरफुल थॉट्स देना पड़ेगा। सो व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग, अगर मन में सदा हेल्दी रहना चाहते हो मन से, तो आपको सदा सकारात्मक विचार, समर्थ विचार क्रिएट करना पड़ेगा। सो पॉजिटिव थिंकिंग इट विल ऑलवेज एम्पावर यू, पॉजिटिव सोचते सोचते आप पावरफुल बन जाएंगे एंड इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। देखो एक कैटरपिलर कैसे लार्वा प्यूपा होके तितली बन के जो उड़ जाता है, देखो तितली देखते सब खुश हो जाते, तो जो पॉजिटिव सोचता है धीरे धीरे उसका जीवन में सब प्यारा हो जाता है। और पॉजिटिव सोचने से आप एनर्जेटिक का अनुभव करेंगे, नया कुछ नवनिर्माण करना शुरू कर देंगे, इनिशिएटिव होगा और ज्यादा खुशी होगी। ए ब्यूटिफुल लाइफ बिगिंस विथ ए ब्यूटिफुल माइंड, तो अगर जीवन में सचमुच सुंदर जीवन को बनाना चाहते हो तो मन को पहले हेल्दी बनाना पड़ेगा। शरीर कैसा भी हो मन ठीक नहीं है तो देखना हट्टा कट्टा आदमी होगा, मन देखो कैसा, मूड कैसा, ये देख रहे हो एक सामने ये बहन क्या कर रही है, एक साइड में देख रहे हो रो रही है, एक साइड में मुस्कुरा रही है, ऐसा क्यों है भाई। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, मन में अच्छे विचार आते हैं तो आप मुस्कुरा देते हो, मन में नेगेटिव सोचते हो तो रो पड़ते हो, तो कैसा दिखना चाहते हो इसमें से, तीनों में से। अगर सदा खिला हुआ देवताएं देखो सदा खिला हुआ चेहरा देखते हैं, लक्ष्मी नारायण राम सीता कभी ऐसे रोते हुए देखे, मुरझा हुआ चेहरा, तो सभी आज तक भी जड़ मूर्तियों में जड़ चित्रों में हम देखते हैं कितना खिला हुआ चेहरा, कि जैसा हमारा सोच होता है ऐसा होता है। तो हमारे मन से ही हम सोचते हैं मन द्वारा, और सोच सारे दिन में चार प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेसेसरी अननेसेसरी, चारों प्रकार के ही थॉट्स होते हैं सारे दिन में, 50,000 सोच हम हमारे मन में चलते हैं, लेकिन ये चारों प्रकार के होते हैं। नेसेसरी क्या है, अभी मुझे खाना बनाना है, अभी मुझे कपड़े धोना है, अभी मुझे ऑफिस जाना है, ये जरूरी है जीने के लिए। अननेसेसरी क्या है, आप वहां अमेरिका में बैठे हो और इंडिया की बात सोच रहे हो, अरे उधर क्या होगा, हमारे घर में क्या होता होगा, क्या पास्ट में चले जाते हैं लोग, फ्यूचर में चले जाते हैं, क्या क्या सोच जो जरूरी नहीं है, ऑफिस में होंगे घर की बात सोच रहे हैं, घर में होंगे ऑफिस की बात सोच रहे हैं, तो उसको अननेसेसरी थॉट्स कहते हैं। और नेगेटिव क्या है, जिसका जिसमें अपना भी बुरा दूसरों का भी बुरा, और पॉजिटिव क्या है, जिसमें अपना भला दूसरों का भला। एक पॉजिटिव सोचने से ही हमारे अंदर शक्ति जमा होती है, बाकी ये सब में हमारी शक्तियां ड्रेन आउट हो जाती है। तो इसलिए जैसे अच्छा भोजन खाएंगे तो आप शक्तिशाली महसूस करेंगे, आप अगर फालतू चीजें खाएंगे तो कहाँ से शक्ति मिलेगी। तो दादी हमारी कहती थी माइंड योर माइंड द टूल फॉर टोटल हेल्थ, अगर आप सचमुच हेल्दी रहना चाहते हो तो अपना मन का ध्यान रखो, क्योंकि मन हमारा शत्रु भी है तो मन हमारा मित्र भी है। तो मन शत्रु कैसे है, कैसे आप अगर कोई व्यक्ति एक सुसाइड करता है, किसने उसको मर्डर नहीं किया, खुद सुसाइड किया, क्या उसके मन में अच्छे विचार चल रहा था,
हम जब नेगेटिव सोचते हैं, देखो खुद को खुद मर्डर कर देते हैं, तो हमारा दुश्मन खुद बने कि नहीं? तो मन जब नेगेटिव हो जाता है, हमारा दुश्मन हो जाता है। मन को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये आपका मेट बन जाएगा, आपका साथी बन जाएगा। तो MATE, मन में वास्तव में हमारे मेमोरी, एटीट्यूड, थॉट्स एंड इमोशन, MAT, ये चारों चीजें होती है। मन में पहले मेमोरी होती है, देखिए पहले जो पढ़ा है, सुना है, देखा है, पहले हमारी स्मृति जागृत होती है, फिर हमारे उसी अनुसार दृष्टिकोण पैदा होता है, एटीट्यूड होता है, फिर हम उसी अनुसार सोच विचार चला दें, फिर हमारे इमोशंस भी ऐसे होता है, फीलिंग्स ऐसी होती है। एक उदाहरण बताता हूँ, मान लीजिए बचपन में आपको कुत्ता काट गया, तो अभी भी 50 साल के बाद एक कुत्ता देखते हैं तो मन में तुरंत याद आ जाएगा, अरे ये कुत्ता काटा, ये तो काटने देगा। आपकी एटीट्यूड उनके प्रति भी ऐसी होगी, फिर आपका सोच चलेगा अभी भागू कि डंडा लाऊ, क्या करूँ, कैसे करूँ, फिर आपका इमोशंस, उसके बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे होंगे। तो ये सब अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो दे विल हील, लेकिन ये सब नेगेटिव हो जाते हैं दे विल किल। सो ए नेगेटिव माइंड किल्स, ए पॉजिटिव माइंड हील्स। ए पॉजिटिव माइंड इज पावरफुल, पर्पजफुल एंड क्रिएटिव, वेयर एज ए नेगेटिव माइंड इज डिवास्टेटिंग, डिवाइटलाइजिंग एंड डिस्ट्रक्टिव, विध्वंसकारी है। आज देखना कोई बम फेंकेगा, देखना सारी दुनिया क्या हाल होगा। अब देख रहे हो ना अभी कैसे ये कोरोना वायरस सारे वर्ल्ड को कैसे तबाही कर दे, ये किसी का बुद्धि का नेगेटिव सोच ही ना। तो इसलिए और देखा जाता है जीवन में, और मूड डिसाइड्स और फूड, सारा दिन आप क्या खाते हो आपके मूड के अनुसार होता है। कोई मजबूत नहीं खाना, कोई तो अपने मन पसंद के मिल गया, वाह, तो सारा दिन आपका मूड डिसाइड्स और फूड। हमारे स्ट्रेस होता है हमारे सोच के कारण, बच्चों को पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती है, एकाग्रता नहीं होती है, हमारा सोच ऐसे जो होता है। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, यू विल नेवर गो रॉन्ग इन योर लाइफ। तो मन को सकारात्मक बनाए, कैसे बनाएंगे? आज किसी का सकारात्मक विचार चलता ही नहीं है, या तो नेसेसरी या तो अननेसेसरी, या तो नेगेटिव। पॉजिटिव बहुत बिरला किसी का चलता है। मैं आपको एक सुंदर ड्रिल करा देता हूँ, अभी आप खुद समझ जाएंगे आपके मन में क्या चलता है। आई विल रीड योर थॉट्स नाउ, यहाँ बैठे बैठे भी आपको रीड कर सकता हूँ। मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा और वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा हमारा बॉडी, शरीर, एक सेंटेंस बनाओ, तो आप कहेंगे हमारा शरीर बहुत वैल्यूएबल है, हमारा शरीर हेल्दी होना चाहिए, जब हम योग लगाते हैं शरीर को स्थिर करके बैठाना चाहिए, बहुत प्रकार की सोच चलेंगे। ये सबको साधारण सोच कह सकते, तीन प्रकार का सोच हम कह सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो ये सबको न्यूट्रल थॉट कहेंगे। मैं कहूंगा पॉजिटिव सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा रोज फ्लावर, एक सेंटेंस बनाओ, इमिडिएटली आप कहेंगे रे रोज इज रेड, कहेंगे इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। आप कहते हैं, आप कहेंगे कि मुझे रोज बड़ा पसंद है, भगवान को रोज डेली चढ़ाना चाहिए। बहुत प्रकार की सोच आपके मन में आएगा और आप ये सेंटेंस बनाओगे, लेकिन ये सब भी न्यूट्रल थॉट है। अच्छा मैं कहूंगा आपका, मैं कहूंगा मदर, माँ, आप इस सेंटेंस बनाओ। आप कहेंगे मेरी माँ बहुत अच्छी है, माँ हमारी जीवन में हमें संस्कार देती है, माँ जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी, माँ जैसी दुनिया में कोई नहीं है, माँ तो बहुत सुंदर होती है, प्यारी होती है, माँ हमें हमारा पहला शिक्षक है, पहला गुरु है। बहुत सारे सेंटेंस आप बताएंगे, ये सब भी न्यूट्रल थॉट है। मैं चाहता हूँ पॉजिटिव बोलना है आपको, पॉजिटिव सोचना है। अच्छा अभी मैं कहूंगा स्वामी विवेकानंद, पॉजिटिव बोलो कुछ। आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद शिकागो में आए हुए थे और हमारे भारत के जो सनातन धर्म का बहुत नाम वाला करते हैं, स्वामी विवेकानंद एक आदर्श है हमारे भारत के लिए, गौरव है। बहुत सारी बातें आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना? नहीं, लेकिन ये सब भी न्यूट्रल थॉट है, इसमें आपकी शक्ति जमा नहीं होगी, विल ड्रेन आउट रहेगा। अच्छा अभी बताओ COVID-19, इसके बारे में बोलो आप कुछ भी सेंटेंस। ये COVID-19 बाप रे खतरनाक बीमारी है, कितने जानलेवा होंगे, ये तो नेगेटिव हो गया, और ये आपको भय पैदा होगा, आपके एनर्जी और ही ड्रेन होगी। आप कहेंगे कोविड बीमारी किसको ना हो, बाप रे अमेरिका में क्या हाल हो गया, इंडिया में तो कितने रिलेटिव्स हमारे, कितने कितने लोग मर गए। तो ये सब नेगेटिव सोच।
हमें अभी पॉजिटिव कैसे सोचना है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, और एक जस्ट लास्ट बताता हूँ फिर आप कहूंगा। मैं कहूंगा ब्लड, एक सेंटेंस बनाओ, आप कहेंगे ब्लड इज रेड, आप कहेंगे ब्लड ओ ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप होते हैं, आप कहेंगे ब्लड डोनेशन देना चाहिए, आप कहेंगे ब्लड हमारे शरीर के लिए जीवन है, ब्लड नहीं है तो जीवन ही नहीं, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, रक्तदान, महादान, लेकिन ये सब न्यूट्रल थॉट है। जो देखो, जो बातें सबको पता है, जो बातें किताबों में लिखा है, कोई किसने पहले से ये सब बातें सबको पता है, ये सब प्रभाव से, तो इसको हम न्यूट्रल कहेंगे। ये सोचने से आपके जीवन में कोई शक्ति जमा नहीं होगी, आपके मन में मन पावरफुल नहीं बनेगा। जो जिस बात में आप खुद इन्वॉल्व हो और प्रोमिस करते हो, तब उसको हम पॉजिटिव थॉट्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे ब्लड डोनेट करना चाहिए, इसको मैं न्यूट्रल थॉट कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, आप खाली कह रहे हो ब्लड डोनेट करना चाहिए, किसको पता नहीं, सबको पता है, आप खुद तो नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपके अंदर शक्ति जमा नहीं होगी। आप कहेंगे कि मैं हर तीसरे महीने में डेफिनेटली ब्लड डोनेट करूंगा, इसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट। इससे भी और ज्यादा मैं कहूंगा, जब तक मेरे जान में एक बूंद भी खून है, मैं देश की सेवा करता रहूंगा, इसको कहेंगे पॉजिटिव थॉट। आप प्रोमिस भी कर रहे हो और साथ साथ उसमें इन्वॉल्व हो। इसी प्रकार कोविड-19, आप कहेंगे कि सारी दुनिया से कोविड-19 को हम खत्म करके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए मुझे कोविड-19 तो होगा नहीं, मैं सारे प्रिकॉशंस, फेस मास्क पहनूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग करूंगा, हैंड सैनिटाइज करूंगा, मेरे को कोविड-19 होने नहीं दूंगा, इसको कहते पॉजिटिव। आप कहेंगे मैं स्वामी विवेकानंद जैसा मैं भी आदर्श बन के दिखाऊंगा, इसको कहते पॉजिटिव। आप कहेंगे मेरी माँ जैसे मैं भी बहुत प्यारी बन के दिखाऊंगी, आप कहेंगे मैं मदर टेरेसा जैसे बन के दिखाऊंगी, मैं मेरी मदरलैंड की बहुत नाम वाला करूंगी करूंगा, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव। रोज फ्लावर जैसा मैं भी खुशबूदार बन के सबको बहुत सुंदर गुणों का खुशबू दूंगा, इसको कहते हैं पॉजिटिव। जैसे रोज फ्लावर कांटों के बीच में रह के भी खिला हुआ रहता है, मेरी दुनिया में चारों तरफ भले नेगेटिव एटमोस्फेयर हो, फिर भी मैं खिला हुआ रहूंगा, इसको कहते हैं पॉजिटिव। समझ में आया? तो इससे आप मन सदा दुरुस्त रहेंगे। जैसे अच्छा भोजन खाते हो तो मन खुश हो जाता है, बॉडी भी एकदम फिट रहता है, ऐसे ही अच्छे विचार से ही मन दुरुस्त रह सकता है। और कैसे पॉजिटिव थॉट्स आएगा, कहाँ से मिलेगा, इसका आधार है स्पिरिचुअलिटी। बाबा हमें रोज जो मुरली में सुनाते हैं, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली पढ़ो, देखो बाबा का एक एक सेंटेंस फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, आप पढ़ो तो दिल गदगद हो जाता है, एकदम बाबा नशा चढ़ा देते हैं। स्वमान में रहना, ये भी पॉजिटिव थॉट्स है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ, ये क्या है, ये सब पॉजिटिव थॉट्स है। तो स्पिरिचुअलिटी जो बाबा हमें पढ़ाते हैं, बाकी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी नहीं कहेंगे, वो तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पुराण है, उसमें पॉजिटिविटी नहीं है। जैसे शास्त्र पढ़ रहे हो, राम की सीता चोरी हो गई, इसमें क्या आप और ही लोग रोना शुरू कर देते हैं, तो ये इस बाबा के सब सुनो, नहीं सुनी सुनाई बातें, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, तो बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, इट इज फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। सो मेंटल रेस्ट थर्ड है, पहले बताया मेंटल एक्सरसाइज, रूहानी ड्रिल करो, मेंटल फूड है, मेंटल नरिशमेंट है पॉजिटिव थॉट्स, एंड मेंटल रेस्ट है मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। इट इज ए डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ, द सुप्रीम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ योगा। दुनिया में बहुत प्रकार का योगा सिखाते हैं, वास्तव में वो योगा है ही नहीं, वो तो सब आसन सिखाते रहते हैं, उसको योग कहेंगे नहीं। रियल योग तो महर्षि पतंजलि जो सिखाए, उसमें खाली लोग आसन करते रहते हैं, बाकी डिसिप्लिन तो करते नहीं है। पहले जो संयम जीवन में, वो ही नहीं है, नियम है वो भी नहीं है, आसन प्राणायाम खाली थोड़ा बहुत करते रहते हैं, और फिर उसके बाद जो प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि, कुछ तो करते नहीं है, खाली आसन करते रहते हैं और योगा कर रहा हूँ, योगा नहीं। श्रीमद् भगवत गीता हमारा योग शास्त्र है, मैं बता रहा था राजयोग, इट इज द सुप्रीम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ योगा, एंड मेक्स मैन डिवाइन फुल ऑफ वैल्यूज, उसके जीवन में नैतिक मूल्य आते हैं, एथिकल वैल्यूज आते हैं, मोरल वैल्यूज आते हैं, मनुष्य चरित्रवान गुणवान बन जाता है, विवेकशील बन जाता है, कर्तव्य निष्ठ बन जाता है, एंड इट इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ कंप्लीट हेल्थ। देखिए,
अर्जुन को जब बहुत डिप्रेशन आया, महाभारत युद्ध में दिखाते हैं, और बैठ गया गांडीव को नीचे पटका के गाल में हाथ रख के, हे प्रभु मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान उस समय उसको योगा सिखाए। कौन सा योगा सिखाए? भगवान ने कहा कि जाओ आधा घंटा कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर दो, नहीं तो शीर्षासन कर लो, वहां कोने में कहीं आधा घंटा ठीक हो जाओगे। ये सब भगवान ने नहीं सिखाया। इसको तो हठ योग कहा जाता है। भगवान ने कहा हठ योग से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। आपको वंडर लगेगा, महर्षि पतंजलि, जो आप योग सूत्र पढ़िए, उसमें महर्षि पतंजलि कभी ये आसन सिखाया नहीं था। महर्षि पतंजलि ने तो एक ही आसन बताया है, स्थिर सुखासनम। स्थिर सुखासनम, आपका शरीर स्थिर हो जाए, अचल हो जाए और कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे, ताकि हम भगवान को बहुत अच्छी तरह से याद कर सकें। बाद में हजारों साल के बाद आप अगर हठ योग दीपिका पढ़ोगे, उसमें 84 वेराइटीज आसन बताया। बाद में तो लोगों ने, आजकल तो उसको जिमनास्टिक कोई करता है। मैं अभी कुछ साल पहले अमेरिका जो आया था, उस समय जो आया था सैन फ्रांसिस्को, उस समय मैं देखा कनाडा में इंटरनेशनल योगा डे पर एक फील्ड में सब मेल फीमेल कपल्स जाके वहां जिमनास्टिक कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, योगा। योगा आजकल लोग उसको एक्सरसाइज बना दिए, शरीर को टेढ़े मेढ़े मोड़ना थोड़ना। भगवान को याद करने के लिए सब जरूरत नहीं है। ये दीज आर पोस्टुरल एक्सरसाइज। बॉडी तंदुरुस्त हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन इसको योग नहीं कहते। योग संपूर्ण मानसिक है। अर्जुन को भगवान ने जब राजयोग सिखाया, लास्ट में अर्जुन कहता है, हे प्रभु मेरे संशय मिट गए सब, मैं गत संशय हो गया, नष्ट मोह हो गया, स्मृति लब्ध हो गया, मैं अभी मेरे कर्तव्य में जुट जाऊँ। इसलिए कहते योग कर्मेषु कौशलम। जब हम योग सीखते हैं, हमारे कर्मों में कुशलता आती है, हम और परफेक्ट होते करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं, हमारे उत्तरदायित्व को, हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति निभाते हैं। सो योगा इज एन अनसीन इंडियन मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, एंग्जायटी एक्सेट्रा। और वही योग जो आज भूल गए हैं लोग, राजयोग, खाली आसन करते रहते, कहते योगा करो योगा करो, वही फिर हमारे ब्रह्मा कुमारी बहने फिर से रिवील कर रहे हैं कि अरे योग यही है, देखो सुनो। तो गीता में तो भगवान स्पष्ट शब्द में बताए हैं योग क्या है, योगी किसको कहा जाता है। देखिए ये आप अगर सांख्य योग पढ़ेंगे, 6th चैप्टर में 47th श्लोक है, आप पढ़िए, उसमें भगवान क्या कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यः माम सह मे युक्ततमः मतः। अर्थात ऑफ ऑल द योगीज, ही हु ऑलवेज रिमेम्बर्स मी विथ ग्रेट फेथ अबाइडिंग बाय माय श्रीमद, ही इज मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विथ मी इन योगा एंड इज द हाईएस्ट। जो भगवान की श्रीमत अनुसार भगवान को बड़े प्यार से श्रद्धा से याद करता है, वही सभी योगियों में से श्रेष्ठ। तो योग अर्थात याद करना, राजयोग मेडिटेशन इज रियलाइजिंग द सेल्फ इज सोल एंड रिमेम्बरिंग द स्वीटेस्ट फादर सपिंग। अपने को आत्मा समझते हुए पिता परमात्मा को बड़े प्रेम से याद करना, उसको ही राजयोग कहता है। एंड राजयोगा इज ए डिसिप्लिन वे अप्लाई टू कीप अस एवर हेल्दी एवर हेल्दी एवर हैप्पी एंड इज नॉट कन्फाइंड टू एनी फिजिकल एक्सरसाइज ओनली। इसमें कोई एक्सरसाइज को योग नहीं कहा जाता है। हमें सदा के लिए एक संपूर्ण जीवन जीने की पद्धति है, इट इज ए वे ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ, एक अनुशासित जीवन जीने की कला सिखाता है, सदा के लिए निरोगी स्वास्थ्यवान बुद्धिवान सदा खुश रहने के लिए। सो राजयोगा इज द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड एम्पावरिंग द सेल्फ। देखो हम जब नेगेटिव सोचते हैं, हमारे ब्रेन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस स्ट्रेस हॉर्मोन्स निकलता है, जिसके कारण आप एकदम कमजोरी लेथार्जिक दुखी बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव सोचते हो, आपका ब्रेन सेल से न्यूरो ट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, सीरोटोनिन डोपामिन ऑक्सीटोसिन एंडोर्फिन, और इसके कारण फिर यू हैव सेंस ऑफ वेलबींग, हैप्पी एनर्जेटिक हेल्थी फील करते हैं। ये साइंस साइंटिफिक एविडेंसेस है, तो इसलिए हमें सदा पॉजिटिव सोचना चाहिए। एंड राजयोगा इज ए साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। राजयोगा मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। आज दुनिया में लोगों को जो स्ट्रेस है उसका कोई इलाज है? डॉक्टर ही खुद ही स्ट्रेसफुल है, वो क्या आपका इलाज करेंगे? कोई दवाई है? नहीं। आपका जब तक सोच विचार को ठीक नहीं करोगे, आपका स्ट्रेस खत्म होगा नहीं। एंड राजयोगा मेडिटेशन इसलिए इट इज ए श्योरेस्ट मेडिकेशन। राजयोग मेडिटेशन में सेल्फ रियलाइजेशन कराया जाता है, मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा, सम्मान दिया जाता है, पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट करें सिखाया जाता है। और जब हमारा संबंध भगवान से जुड़ता है, फिर इस सारे संसार में सबके साथ भी कैसे, वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व भी एक परिवार है, सभी मेरे भाई बहन है आत्मिक नाते से,
जब ये फीलिंग होती है कि संसार एक कुटुंब जैसा अनुभव होता है, एक छोटा सा परिवार सा अनुभव होता है, ये जीवन एकदम बहुत सुंदर आनंदित हो जाता है। ठीक है, सो तीन चीजें जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है सभी का। मन को हेल्दी रखने के लिए, तन को हेल्दी रखने के लिए। तन के लिए क्या बताया? होलिस्टिक एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, गुड रेस्ट। इसी प्रकार मन के लिए भी आप मन का एक्सरसाइज है रूहानी ड्रिल करना, जो बाबा बार बार हमें कहते हैं, और मन का भोजन है पॉजिटिव थॉट्स, और मन को सच्चा रेस्ट मिलता है जब हम मेडिटेशन। ये तीन बातें बहुत जरूरी है, लेकिन और तीन बातें भी चाहिए जीवन में, वो है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सभी चाहते हैं, है ना? नहीं, हेल्थ भी चाहिए, धन भी चाहिए, इसके बिना तो जीवन क्या है। फिर खुशी भी चाहिए। ये तीनों में से हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों में से किसको आप इम्पोर्टेंस देंगे? ये दोनों को अगर तोला जाए, आज लोग धन को ही प्रायोरिटी देते हैं, पैसा के पीछे भागते रहते हैं 50 साल तक। मोस्ट ऑफ अस रन आफ्टर वेल्थ, नेग्लेक्टिंग आवर हेल्थ इन द फर्स्ट हाफ। खाना भूल जाएंगे, पीना भूल जाएंगे, परिवार भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, पैसा 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 पैसा, और 50 साल के बाद एक दिन सडन हार्ट अटैक हो गया। फिर जितना पैसा जमा किया था क्या, और ऊपर चला गया तो हो गया कल्याण। तो इसको बुद्धिमान कहेंगे क्या? नहीं। सो द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, ए गुड हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ, इसलिए कहा जाता है। महात्मा गांधी भी कह के गए हैं, इट इज द हेल्थ विच इज द रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सोना चांदी कोई धन संपत्ति नहीं है, तुम्हारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अभी दूसरी बात है, हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस, ये दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे? धन को प्रायोरिटी देंगे कि हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देंगे? आज बहुत लोग वेल्थ को ही प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन किसने कहा है मनी विल नेवर मेक यू हैप्पी इफ यू आर एन अनहैप्पी पर्सन? एक मैनेजमेंट गुरु है कहता है, पैसा तुमको कभी भी खुशी नहीं दे सकती है। पैसा, इसलिए पैसा वाले को तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, बीपी है, शुगर है, सब देखते हैं। गरीब बेचारे फिर भी आराम से निश्चिंत होकर सोते रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं। तो धन हमारे संस्कार को बदलना पड़ेगा, वो मेडिटेशन द्वारा स्पिरिचुअल नॉलेज से ही हो सकता है, दूसरा उपाय नहीं। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट यू हैव और हु यू आर। आप कितने बड़े पदवी पोस्ट पोजिशन में हो, या कितने मर्सिडीज रखे हो, कितने गाड़ियां रखे हो, कितने बिल्डिंग बनाए हो, उसके आधार से बिल्कुल नहीं है। इट टोटली रिलायज ऑन व्हाट यू थिंक। आपके मन में क्या विचार चल रहा है उसके पर आधारित है। बहुत बड़े बड़े पैसा वालों के साथ ट्रैवल करके देखना हो, करोड़पति, लेकिन चेहरा देखो तो जैसे कि चमन कहीं खो गया। अरे, हमारे मन के विचार ही हमें खुशी दिलाती है। सो वेल्थ और हैप्पीनेस को किसको प्रायोरिटी देंगे? हैप्पीनेस डेफिनेटली। इस प्रकार हेल्थ और हैप्पीनेस, ये दोनों में से किसी को प्रायोरिटी देंगे? देखो दलाई लामा ने क्या कहा है, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ। खुशी सबसे बहुत स्वास्थ्य की सबसे सुंदर स्वास्थ्य है हैप्पीनेस। इनर जॉय इज द बेस्ट मेडिसिन विच कीप्स मी कंप्लीटली हेल्दी। आप अंदर से खुश नहीं हो तो आप हेल्दी रह नहीं सकते, ना तन से ना मन से। कहावत है, इन द जर्नी ऑफ लाइफ देयर विल बी सनशाइन एंड रेन, इन द जर्नी ऑफ लाइफ देयर विल बी सनशाइन एंड रेन, देयर विल बी प्लेजर एंड पेन, एंड देयर विल बी लॉस एंड गेन। ये तो होता ही रहता है जीवन में, आप जानते हो। इन द जर्नी ऑफ लाइफ देयर विल बी सनशाइन एंड रेन, देयर विल बी प्लेजर एंड पेन, एंड देयर विल बी लॉस एंड गेन। बट डोंट फॉरगेट टू, क्या नहीं भूल जाना है, क्या नहीं भूल जाना है, बोलिए बोलिए। डोंट फॉरगेट टू स्माइल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सो इन द जर्नी ऑफ लाइफ देयर विल बी सनशाइन एंड रेन, देयर विल बी प्लेजर एंड पेन, देयर विल बी लॉस एंड गेन, बट डोंट फॉरगेट टू स्माइल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कुछ ही हो जाए, अरे खुशियां नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो ही जीवन सदा हम हेल्दी वेल्दी रह सकते हैं, बिकॉज लाफ्टर इज एन एंटीडोट फॉर ऑल डिजीज। आप खाली खुश रहो, मुस्कुराते रहो, देखना कोई बीमारी नहीं होगी। सत्युत रहता है, मैं किसी को कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि सभी मुस्कुराते थे, खुश, देखो सबका चेहरा कैसा है। एंड ऑलवेज लाफ व्हेन यू कैन, बिकॉज इट इज द चीपेस्ट मेडिसिन, सबसे सस्ती दवाई है, इससे सस्ती दवाई कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, सदा मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, यही मेरी शुभकामना है। कीप अ बैलेंस बिटवीन
खाली आत्मा 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 करते रहेंगे, शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, बीमार आ जाएंगे, योग लगेगा नहीं, पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे। खाली शरीर के पीछे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, फिर आत्मा का कुछ कल्याण होगा नहीं, फिर क्या होगा? तो दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। प्यारे भगवान, पलक में भर के दिखा रहे हम, पलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह, जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्मे हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे।
प्यारे भगवान तुम्हारे प्यारे भगवान पलक में भर के दिखा रहे।